फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। हमने तो आप लोगों ने देखी लिए हो दोस्तों, ये साज होने वाली है और एक शीट मास्क के रिव्यू जिसको मैंने जूडियो से लिया है दोस्तों। और इससे पहले मैंने जूडियो में विजिट किया था तो वहीं से मैंने इसको लिया है दोस्तों। इसकी प्राइस सिर्फ 49 है और ये है जूडियो की हाइड्रेट एलोवेरा विच हैजल शीट मास्क। ये है इसकी फ्रंट की पैकेजिंग और ये है इसकी बैक साइड की पैकेजिंग, देख सकते हो। और ये टोटली जो प्रोडक्ट है ये टाटा एंटरप्राइज है। टाटा के विषय में आप लोग नहीं जानते ऐसा तो नहीं हो सकता, तो चलिए इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये टोटली एनरिच्ड विद एलोवेरा एंड विच हैजल एक्सट्रैक्ट है। ये जो शीट मास्क है ये हेल्प करेगी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में, मॉइस्चर एंड नरिश्ड फॉर ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन के लिए आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चर एंड नरिश रखने वाली है। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि शीट मास्क कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो फेस है वो बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी मेकअप उसमें ना हो। और उसके बाद अच्छी तरीके से क्लींस होने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 15 टू 20 मिनट्स के लिए रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेस जो सीरम आपके फेस के ऊपर बचता है तो आप उसको पोंछ भी सकते हो कॉटन पैक्स की मदद से, या फिर आप उसको धो भी सकते हो एज यू विश। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स तक है। ये टोटली क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, तो चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल करके मुझे कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पैकेजिंग है वो ठीक ठाक है, प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी। मास्क में एक प्रॉब्लम है कि आप इसके साथ पैच टेस्ट में नहीं जा सकते दोस्तों, सो बी केयरफुल रहना व्हेन यू चूज़ टू दिस प्रोडक्ट, व्हेन यू चूज़ एनी काइंड ऑफ शीट मास्क, राइट? बिकॉज अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ डॉक्टर के एडवाइस लेना मत भूलना दोस्तों। सो इसकी जो पैकेजिंग है वो भी ठीक ठाक है, अफोर्डेबल बजट में आती हैं। और जूडियो के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आती हैं, आप लोगों को पता है। और मुझे और एक चीज़ भी अच्छी लगी कि ये टोटली टाटा इंटरप्राइज है, तो चलो ठीक ठाक है। इसकी परफ्यूम भी ठीक ठाक थी। इसकी कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसको इस्तेमाल करते दौरान कोई भी नहीं लगी, पर इस की जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कि इसके और भी जितने भी सारे शीट मार्क्स है उसकी भी रिव्यू जल्द से जल्द करी जाए। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आई होप कि आपको ये छोटे वाले से रिव्यू इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।